Okay, student, now let's start problem set number 7. In that, first question. What is the first question, student? Yes, very simple. In the first, there are again sub 10 question. So, question number 1. In that, first one. What is the question, student? Write the correct alternative answer for each of the following question. Alternative means, आपको यहाँ पे एक question के 4 option है. आपको choose करना है which option is correct. Whether A, B, C or D. Okay. All question has 4 answer. उसमें से एक correct है. Remaining 3 are incorrect. Okay. First one. Which of the following data is not primary? Primary नहीं है. मतलब एक प्राइमरी नहीं है, बाकी सब प्राइमरी नहीं है. आउट ऑफ 4, 3 आर प्राइमरी एंड 1 इज नॉट. तो हमें वही देखना है कि विच वन इज नॉट प्राइमरी. व्हाट इज प्राइमरी डेटा स्टूडेंट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा, तभी आप फाइंड करोगे. यस, देर आर, जैसे मैंने बताया था आपको, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन. इन द स्टैटिस्टिक इट इज कॉल्ड एज डेटा. सी स्टूडेंट, अगर आप इंफॉर्मेशन पर्सनली जाके कलेक्ट कर रहे हो, इफ वी फाइंड द डेटा और कलेक्ट द डेटा बाय पर्सनली, हम वहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है. डायरेक्ट हम विजिटिंग करके, डायरेक्ट हम वहां पे विजिट करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. देन सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. और ऑलरेडी कहीं पे स्टोर है, कहीं पे रखा हुआ है डेटा, एंड हम वहां पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिसेस या पेपर में रेडीमेड होता है, किसी साइट पे जाते हैं और वहां से रेडीमेड डेटा होता है, उसी को लेते हैं और फिर उस पर हम आगे हमारा जो भी काम है वो करते हैं. रेडीमेड डेटा, सो दैट टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड यस सेकेंडरी डेटा. समझ में आ रहा है? प्राइमरी बाय विजिटिंग सेल्फ, खुद जाके खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे. और रेडीमेड सेकेंडरी. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी प्राइमरी क्या नहीं है देखेंगे हम. फर्स्ट, बाय विजिटिंग सर्टन क्लास गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट. बाय विजिटिंग सर्टन क्लास, क्लास में जाके हम वहां पे परसेंटेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट देखना है. तो ये हम खुद जाके कर रहे हैं ना, बाय विजिटिंग सर्टन क्लास, तो इट इज प्राइमरी डेटा. नाउ बी, बाय एक्चुअल विजिट टू होम, घरों में जाके, एक्चुअल जाके, टू फाइंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि हर घर में, हर हाउस में हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स. ये हम बाय विजिटिंग एक्चुअल, हम जाके, ऐसे नहीं कि कहीं रेडीमेड है. यस, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी डेटा. नाउ सी, टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलाठी. हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन, रिगार्डिंग द प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन, के फार्मर ने उनके फील्ड में कितने फार्मर ने कितना सोयाबीन प्लांट किया है. इसकी इन्फॉर्मेशन हम पर्सनली फार्मर से जाकर नहीं ले रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम विलेज तलाठी. आपने देखा होगा, सुना होगा तलाठी ऑफिस. यस, जो फार्मर्स का रहता है, उनकी एक पर्सनल ऑफिस रहती है, वहां पे वो सब इंफॉर्मेशन फार्मर्स लगा ये करते हैं कि हमारे पास, मतलब हाउ मच द लैंड, कितना हमारे पास जमीन है, फिर हमने कौन सा क्रॉप वहां पे प्लांट किया है, कितना उनका प्रोडक्शन हुआ है, ये सब वहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफिस में मेंटेन करते हैं. तो हम वहां से ही जाके उस पर्टिकुलर सोयाबीन का प्रोडक्शन कितना हुआ, प्लांटेशन कितना हुआ, वो हमने प्लांटेशन कितना हुआ, प्रोडक्शन नहीं, प्लांट कितना किया है, वो जाके हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर, विलेज तलाठी, मतलब उस गांव का, पर्टिकुलर उस एरिया का, उस गांव का, उस विलेज का हम ले रहे हैं. सो इट इज, हम खुद जा रहे हैं क्या फार्मर के पास? नो, वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम विलेज तलाठी. सो इट इज नॉट ए प्राइमरी डेटा. स्टूडेंट, इट इज नॉट ए प्राइमरी डेटा. सो अवर आंसर इज यस इन क्वेश्चन 1, विच इज करेक्ट ऑप्शन सी. फर्स्ट चेक, डी है या प्राइमरी डेटा. रिव्यू द क्लीनिनेस स्टेटस ऑफ कैनल्स बाय एक्चुअली विजिटिंग देम. हाँ, और क्लीनिंग कैसा चल रहा है वहां पे, खुद जाकर देख रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इट इज अगेन प्राइमरी. सो सी इज नॉट प्राइमरी. वेरी गुड. तो फर्स्ट आंसर इज सी. Now, move to
second. What is second? What is the upper class? What is upper class limit for the class? Very simple. Class hai 25 to 35. What is upper class limit? There are two limits in class. Lower limit, lower class limit, upper class limit. Lower class limit, upper class. Lower means first term. First number is lower. Next number is upper. So, yahan pe upper kya hai? 35. Very simple. Or in which option? Yes, it is in option B. So, second ka aayega student? B. Very good. Is that clear? Now, move to third one. What is question, student? What is the class mark of class 25-35? Again, same class hai. 25-35. इसका आपको निकालना है क्लास मार्क. क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? हाउ टू फाइंड क्लास मार्क? कैसे फाइंड करते हैं? याद आ रहा है क्या? भूल गए? मीन मीडियन मोड में क्लास मार्क. यस, क्लास मार्क इज लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू. मीन्स ये दोनों क्लास का मीन निकालते हैं. इन शॉर्ट इसका मीन मतलब दोनों को एड करेंगे. एड दिस टू डिवाइडेड बाय टू. सो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू. तो कितना होता है एडिशन? अगर ये 5 यहाँ पे ऐड किया गया तो ये 30 होगा. 30 और भी ये 30 रहेगा. 30 प्लस 30 60 अपॉन 2. दैट इज 2 वन जा 2 थ्री जा 0. सो इट इज 30. और सिंपल है सुना ना, 25 और 35 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा? 30. सो 30 इज द क्लास मार्क. तो ऑप्शन विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. इफ यू वांट नाउ सॉल्व दिस, आप बाजू में सॉल्व कर सकते हो. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन 4 स्टूडेंट? इफ द क्लासेस आर 0 10 10 20. कैसे क्लासेस हैं? 0 10. Which type of classes? यहाँ पे जहां से खत्म हो गया वहां से स्टार्ट हो रहा है. So which? Yes, it is of exclusive classes or continuous classes. Exclusive means जहां पे one of the limit exclude होती है. Which limit? Yes, upper limit is not included. ये जो upper number है इस class में नहीं आएंगे. मतलब 0 टू 10, तो 10 यहाँ पे नहीं आएगा. वेर इज 10? यहाँ पे होगा, लोअर लिमिट में होगा. यहाँ पे 20, यहाँ पे होगा 20 है. यहाँ पे विच 20 इज करेक्ट? अपर लिमिट वाला नहीं, लोअर लिमिट वाला. ओके, तो दीज आर एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ द क्लासेस आर 0 10 10 20 20 30 एंड ऑन, देन इन विच क्लास शुड द ऑब्जर्वेशन 10 बी इंक्लूडेड? हाँ, अभी नहीं बताया मैंने कि 10 कौन से क्लास में इंक्लूड होगा. वेदर इट इज इन 0 टू 10 और 10 टू 20, 10 कहां पे होगा? यस, यहाँ पे हम अपर लिमिट कंसीडर नहीं करते हैं. तो लोअर लिमिट में जहां भी 10 होगा वो क्लास होगी. तो किधर होगा स्टूडेंट? इट इज इन 0 टू 10 और 10 टू 20. यस, इट इज 10 टू 20. विच ऑप्शन? 10 टू 20. यस, इट इज बी. दैट क्लियर स्टूडेंट? So right here, option B. Now move to fifth one. Now what is the question student? If x bar is the mean of, see student, main yahan pe fifth solve karti hu. I will solve here. What is given? If x bar is the mean, x bar is किसका mean है? Mean of which observation? X1, x2. Yes, x1, x2 dash 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 up to xn. Then and y bar. And y bar is
mean of? Yes. Y1, Y2, up to Yn. Here, x bar is the mean of x observation of kitne observation aise? N. Nth observation. And y bar is the mean of y observation. Nth observation. Y and observation. So, what we have to find? And z bar is the mean of. Or z bar kya hai? Z bar is mean of this both. X1, X2, Xn and Y1, Y2, Y1. इन दोनों का मीन है. सो देन व्हाट इज जेड बार? जेड बार की वैल्यू क्या होगी? देन व्हाट इज जेड बार हमें फाइंड करना है. सी स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल है. फर्स्ट एक्स बार फाइंड करेंगे. एक्स बार कैसे आएगा स्टूडेंट? मीन. What is the formula for mean? क्या लिखते हैं हम formula for mean? Sum of observation. है ना, sum के लिए sign? Yes. कितने observation है student? Observation में क्या है सब में? X. And how many X? Yes, it is. Total number कितना है? N. It is total N. Therefore, इस पर से हम स्टूडेंट फर्स्ट फाइंड करेंगे n नंबर ऑफ x बार इज इक्वल्स टू समेशन x क्रॉस मल्टीप्लाई करनी. सिमिलरली नाउ फॉर टेल मी फॉर y बार. y बार क्या होगा स्टूडेंट? यस, समेशन ऑफ ऑल y ऑब्जर्वेशन. और कितने हैं वो? n. देयरफॉर n इंटू वाई बार समेशन y. यहां पे समझ में आ रहा है ना? हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? z बार. तो ना z बार सी दोनों ऑब्जर्वेशन है, दोनों का सम है, मीन्स समेशन. यस, आपको दोनों का सम फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? Z बार दोनों है ना, बोथ x, समेशन x प्लस समेशन y, समेशन x प्लस समेशन y अपॉन सी हाउ मच, कितना होगा स्टूडेंट? सी स्टूडेंट यहां अगर ऐसे नहीं करेंगे आप यहां पे, तो यहां पे सी समेशन x समेशन y, तो यहां पे n और n, तो हाउ मेनी n प्लीज? 2n. 2n. Therefore, z bar is equals to. What is z? Summation x. Summation x ki value kya hai student? N x bar plus summation y. It is n y bar upon 2n. So z bar is equal to common क्या student? N, right? So, x bar plus y bar upon 2n. Now multiplication में n cancel. So z bar is equal to x bar plus y bar upon 2. यहाँ पे n क्या हो गया? Cancel हो गया. See student, very simple है, बताती हूँ आपको. X bar is mean. Mean का formula क्या है? यस, समेशन अपॉन नंबर. पता है ना मीन का फॉर्मूला? समेशन अपॉन नंबर. समेशन ऑफ ऑल नंबर मतलब ये नंबर किसमें स्टूडेंट? एक्स अप टू एन, तो अपॉन एन. तो इस पर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं? सम. सम इज इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर, जैसा पहले क्या. सिमिलरली सिर्फ जहां पे एक्स है वहां पे वाई होगा ना. अब जेड क्या बोल रहे उन्होंने? जेड किसका मीन है? दोनों का मीन है, एक्स एंड वाई. तो समेशन x प्लस समेशन y, तो यहाँ पे x की ऑब्जर्वेशन n है, y की ऑब्जर्वेशन n है, तो n n 2n, n n 2n. ना अगेन पुट समेशन x समेशन y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यस, n x बार n y बार.
nx bar and y bar, both containing n take common, remaining x bar plus y bar upon 2n. So this n and n get cancel, only x bar plus y bar upon 2. This is z. Is that clear? X bar is mean, again y bar is mean, again z bar is mean, but z bar is, yes, addition of both x and y. So ye x and y ka addition. Ab 2n kaise hai samajh mein hai na, iska upon n, n plus n, 2n. Algebraic expression, n square nahi hoga, multiply nahi hai, addition hai. So n plus n, 2n. Then again substitute, humne nikala hai, summation x kya hai, summation y kya hai, put karenge, n common lege, cancel hoga. So which option student? Yes, it is in option A. So fifth ka answer aayega, option A. Is that clear? Okay. If you want, pause the video and then write the solution. Hint kaise solve kiya hai humne, wo answer kaise aaya. Theek hai student? Now move to sixth one. Now, what is sixth question, student? Sixth one. What is sixth question? The mean of five number is 50, out of which mean of four number is 46. Then find the fifth number. Yes, humne wo kiya tha na? In 7.5, mean of five number is 40 hai. सेम क्वेश्चन है, मीन ऑफ 550 है और इफ वन वॉज रिमूव्ड, है ना, रिमूव किया था तो फोर जो बचे थे उनका कितना था, 40, वहां पे 45 था शायद, पता नहीं, सेम वैसे टाइप में आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, मीन इज गिवन, फर्स्ट हम सम निकालेंगे और फाइव के सम में से फोर सम माइनस करेंगे, जो होगा वो फिफ्थ वाला होगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट. सी व्हाट इज गिवन, सिक्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. Mean of five number. What is given? Yes. Mean of five numbers is 50. And again, what is given? Yes. Mean of four number is 46. हमें क्या find करना है student? Yes. Fifth number find करना है. So first पहले हम निकालेंगे सम ऑफ फाइव नंबर्स फ्रॉम मीन. कैसे निकालते हैं सम ऑफ फाइव नंबर? यस, मीन मल्टीप्लाई बाय फाइव है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय फाइव. मीन इज 50, 50 इंटू फाइव, यस इट इज 250. नाउ सम ऑफ फोर नंबर्स, सम ऑफ फोर नंबर्स इज, यस मीन इंटू फोर, एंड वॉट इज फोर, मीन ऑफ फोर 46 मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर सिक्स 24 कैरी टू, फोर फोर 16, 17, 18, 184. मीन ऑफ फोर नंबर, मीन ऑफ फाइव नंबर. तो फाइव नंबर में से फोर नंबर माइनस करेंगे तो एक नंबर बच जाएगा, एंड दैट इज फिफ्थ नंबर. देर फोर फिफ्थ नंबर is equals to sum of five numbers minus sum of four numbers. Five numbers ka sum kitna tha student? Yes, 250. Aur four number ka 180. Difference jo aayega wo number aayega. So 250 minus 184. 10, 10 minus 4, 6, 14 minus 8, yes, so it is 66. So the fifth number is 66. Which option student? Option mein hai 66? Yes, D option. So, iska answer hoga D. It is same as we did in the practice set 7.5 of which question? Yes, question number 10.
ऐसे ही था, सिर्फ यहाँ पे ये भी नंबर भी सेम था, सिर्फ यहाँ पे 4 का मीन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 46 वहां पे 45 किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू राइट देन पॉज द वीडियो एंड देन राइट। लेकिन मैं तो चाहूंगी यू यस सॉल्व बाय योर सेल्फ। बहुत सिंपल है एज वी डिड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। ना स्टूडेंट मूव टू सेवेंथ वन, दे आर टोटल 10 ना, यस तो सेवेंथ वन। व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। अगेन फिर अगेन हमको सॉल्व करना होगा सेवेंथ वन। व्हाट इज गिवन? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना है स्टूडेंट? यस इट इज 40। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 30। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल स्टूडेंट? 100 है, उसमें से जो नाइन्थ पोजिशन पे है ना वहां पे नंबर क्या है? 30। इफ दिस इज रिप्लेस बाय 70 कीपिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन सेम, सिर्फ जो नाइन्थ है, यहाँ पे पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो नाइन्थ है उसको रिप्लेस किया है, जो 30 था उसको रिप्लेस किया है 70 से, तो फिर नया मीन क्या आएगा? वेरी सिंपल है स्टूडेंट, पहले हम सम निकालेंगे 100 नंबर का जो मीन है ना 100 ऑब्जर्वेशन का, हम इसका सले सम निकालेंगे, तो सम ऑफ देयरफॉर सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, हमको मीन बताया हम सम निकालेंगे, इसी यस मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 100। मीन कितना है स्टूडेंट? 100 का 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, सो इट इज यस 4000। ये जो 100 नंबर्स है ना उनको ऐड करने पर कितना आता है? 4000 आता है। बट सी स्टूडेंट, ये जो 4000 जब हम सब नंबर 100 नंबर्स लिख रहे हैं उसमें से जो नाइन्थ वाला है ना जो है 30 उसको रिप्लेस करेंगे, बट इफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 30 वॉज रिप्लेस्ड बाय सेवेंटी। सी जब हम ये 100 नंबर का एडिशन कर रहे थे उस वक्त स्टूडेंट हमने 30 को इंक्लूड किया था, है ना, वन ऑफ द नंबर वहां पे 30 था क्योंकि वो नाइन्थ है, हमने पूरे 100 नंबर्स लिखे और सब एडिशन कितना आया था? 4000, है ना, ऐसे ही हुआ ना इसका मतलब, क्योंकि मीन दिया था, तो मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने 100 नंबर्स को लिखकर ऐड करने पर कितना आया था? 4000। जब हम ऐड कर रहे थे उसमें तो वहां पे 30 भी प्रेजेंट था, अब क्या करना है इस एडिशन में से 30 को रिमूव करना है और 70 को रखना है। यस हमने किया था इससे पहले ये भी, आई थिंक विच क्वेश्चन इट इज, सी स्टूडेंट आपको इजी होगा इसलिए मैं बता रही हूँ, इट इज यस सेम एज द सेवंथ वन, प्रैक्टिस सेट 7.5 सेवंथ क्वेश्चन। एक बाय मिस्टेक 19 था, उन्होंने 91 लिया था, सी यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, उन्होंने खुद से रिप्लेस किया है, जो 30 है उसको निकालना है और 70 को ऐड करना है। ओके तो फिर स्टूडेंट कैसे हम लिखेंगे इसको? यस सी तो न्यू पहले सम निकालेंगे हम, न्यू सम कैसे आएगी स्टूडेंट? व्हाट इज ओल्ड सम? 4000, उसमें से हमको माइनस करना है जो हमको रिप्लेस करना है 30, किससे रिप्लेस करना है उसको लेना तो पड़ेगा ना, यस प्लस 70, तो कितना होगा स्टूडेंट? पहले प्लस प्लस का करेंगे, 4000 प्लस 70 4070 माइनस 30 मींस 4040, सिंपल है ना,
0 minus 0, 0. 7 minus 3, 4. Again, 0 as it is, 4 as it is. So, new sum kitna hai student? 4040. So, new mean bhi find karenge hum. Therefore, new mean. Hame new mean find karna hai na. New mean is equals to new sum upon yes, number of ऑब्जर्वेशन. सी बाकी के सब वैसे ही रख रहे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी कितने थे स्टूडेंट. फर्स्ट जब ओल्ड न्यू मीन निकालते देर आर 100 ऑब्जर्वेशन एंड हियर न्यू मीन में भी क्योंकि एक बाहर जा रहा है 30 रिप्लेस हो रहा है तो कम ज्यादा नहीं होगा. 30 इज रिप्लेस बाय 70 देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम. पहले भी 100 थे अभी भी क्या हो गए 100. तो न्यू सम 4040 एंड ऑब्जर्वेशन 100. सी स्टूडेंट आपने देखा है सिक्स स्टैंडर्ड में डेसिमल में इफ अपॉन 100 रहा डिवीजन कैसे होगा. यस ओनली इन 100 डिनोमिनेटर में अगर 100 है 100 हैज 20 सो पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर टू डिजिट्स फ्रॉम यूनिट. फर्स्ट राइट एज नजरीज 100 मीन्स 20 सो फ्रॉम यूनिट 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा. सो इट इज 40.40. सो स्टूडेंट इट कैन बी रिटन एज 40.4 ओनली क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो आता है तो उसको नहीं लिखते हैं. डेसिमल पॉइंट में 40.40 और 40.4 सेम होता है. सो विच ऑप्शन स्टूडेंट इट इज प्रेजेंट. यस इट इज ऑप्शन बी. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. समझ में आया हाउ विल फाइंड न्यू मीन. वेरी सिंपल स्टूडेंट. फर्स्ट यू आर गिवन ऑफ मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन. 100 का ऑब्जर्वेशन तो हम पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे. सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन दैट इज 4000. तो लेकिन यहाँ पे जो हमने 100 नंबर्स लिए थे ना उसमें स्टूडेंट उसमें वन ऑफ द नंबर था जो नाइन्थ पोजीशन. यहाँ पे पोजीशन का कोई भी यूज नहीं है सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए तो नाइन्थ पोजीशन का रिमूव किया है. हमको क्या करना है आप कहाँ का भी रिमूव करो जो रिमूव करे उसकी जगह हमको एक नया नंबर दिए उन्होंने. सो उन्होंने वहां पे क्या किया स्टूडेंट. यस वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो नाइन्थ पोजिशन पे था 30 वाला उसको रिप्लेस किया है 70 से. तो इस जब हम एडिशन करें तो यहाँ पे 30 इंक्लूड था है ना. तो अभी हमें इसमें से 30 को निकालना है क्योंकि हमको नहीं चाहिए उसके रिप्लेस क्या करना है 70. तो 30 जिसको रिमूव करना है माइनस जिसको ऐड करना है प्लस. सो रिमूव 30 विद 70 तो ये हमको नई टोटल मिलेगी. जब न्यू टोटल मिल गई है ऑब्जर्वेशन आर सेम एक रिमूव हुआ एक आ गया तो चेंज होगा क्या. सी देर आर 10 स्टूडेंट्स ठीक है एक बाहर है 10 है लेकिन 10 में से एक चला गया लेकिन बाहर वाला एक अंदर आ गया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना रिप्लेस हो रहे. सो रिप्लेस होना है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम पहले भी 100 थे अभी भी क्या हो गए 100 सिर्फ सम चेंज होगी क्योंकि नंबर डिफरेंस है पहले 30 था बाद में 70 ले रहे हैं तो सम चेंज होगी. तो न्यू सम अपॉन 100 और अपॉन 100 आर स्टूडेंट कैसे डिवीजन करते हैं. अपॉन 10 रहा 1 के बाद डेसिमल पॉइंट. अपॉन 100 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट. 30 रहा 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट. यस और कहां से डिजिट काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. यस फ्रॉम राइट हैंड साइड मीन्स यूनिट प्लेस से. आफ्टर 1 डिजिट 2 डिजिट पुट डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट अगर हमने पुट कर दिया है और एंड में अगर जीरो आता है तो वो जीरो लिखो या नहीं लिखो. द जीरो इफ इट इज रिटर्न और नॉट इट इज जीरो. अब पढ़ो या लिखो या मत लिखो. 40.40 इट इज कंसिडर एज 40.4 एंड इट इज इन ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. नाउ मूव टू 8th वन. Now, student, what is the question number 8? In question number 8,
What is the mode of? आपको मोड, सी मोड फाइंड करने के लिए द नंबर विच इज रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम इज मोड. वेरी सिंपल है. कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है? देखो स्टूडेंट, 19 वन टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 वन टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 सी वन टू थ्री टाइम्स हो रहा है, 15 19 टू टाइम्स हो रहा है, और 20 25 22 टाइम्स है. सो थ्री टाइम्स, यस 15 इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स, सो 15 इज मोड एंड इट इज ऑप्शन ए. ओके, सो हियर ऑप्शन ए. नाउ मूव टू नाइन्थ वन. व्हाट इज द नाइन्थ? वेरी सिंपल ना स्टूडेंट, मोड द नंबर हु इज रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम. यस, और 15 थ्री टाइम्स आ रहा है इसलिए 15 मोड होगा. ना व्हाट इज द मीडियन ऑफ? मीडियन, सी मीडियन हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द डेटा. सी हम यहाँ पे नाइन्थ वन सॉल्व करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे. स्टूडेंट व्हाट इज गिवन? सी फर्स्ट राइट डेटा एज इट इज इन गिवन क्वेश्चन. 7, 10, 7, 5, 7, 10, 7, 5, 9, 10, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now ascending order. याद रहा ना AO. Smallest. Yes. 5. Then 7. Two times है. 7, 7. Then 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2 times. Okay. So it is ascending order. So here N. N means observation. Even a odd a 1, 2, 3, 4, 5, 6 is even. So even के लिए कैसे निकालते हैं? कौन से टर्म? यहाँ पे टू टर्म्स मिडल में आएंगे. तो कौन से आएंगे स्टूडेंट? N अपॉन टू करना है. N ये है 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एन कितना है? 6, जो कि इवन है. तो 6 upon 2, दैट मीन्स थर्ड. थर्ड और फोर्थ पोजिशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ मीन्स थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन नंबर, उसका मीन, मीन ऑफ, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? यस, थर्ड और फोर्थ को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे. थर्ड वन इज फर्स्ट सेकेंड. यस सी सुन, ये दो बीच में होगी ना, इसके बाद पहले दो हो गए, इसके बाद में दो, तो दीज टू आर मिडल, उनको ऐड करेंगे अपॉन टू. 9 plus 7 16 अपॉन टू, 2 1 जा 2 8 जा. सो हियर मीडियन इज 8. विच ऑप्शन? यस सी, मीडियन इज सी. नाउ लास्ट 10th वन. व्हाट इज द क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ऑफ क्लास 30, 40. यहाँ पे आपको स्टूडेंट, यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, याद आ रहा है सी एफ, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन, लेस देन. यस, लेस देन में हम लेस देन अपर लिमिट, अपर लिमिट से लेस देन रहता है वैल्यू, और मोर देन में मोर और इक्वल टू लोअर लिमिट. ओके, लेस देन में अपर लिमिट को कंसिडर करेंगे, लेस देन अपर लिमिट. ओके, तो हम पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास है, शॉर्ट में करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कंटिन्यूअस इंक्लूसिव फॉर्म 40, 40 to 50. दीज आर क्लासेस, योर क्लास. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन. फर्स्ट क्लास के लिए 7, 3, 12, 13, 7, 3, 12, 13 एंड लास्ट इज 2.
यस स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, सी एफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब भूल गए स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ विल वी फाइंड लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस फर्स्ट राइट द नंबर फर्स्ट का एज इट इज, नाउ देन दिस सेवन प्लस उसी के बाद में यस थ्री दैट इज टेन एंड अगेन टेन प्लस 12 दैट इज 22 अगेन 22 प्लस 13 35 अगेन 35 प्लस 2 इज 37। इसका सबका एडिशन करो 37 ही आएगा। ओके नाउ तो आपको यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ विच क्लास 30 टू 40 क्लास की सी एफ क्यूम्युलेटिव कितना है 35 कितना है 35 विच ऑप्शन, यस ऑप्शन सी, तो 10 का भी ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यस वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव टू यस क्वेश्चन नंबर 2, याद आ रहा ना स्टूडेंट हाउ टू फाइंड सी एफ। यस सी लेस देन टाइप में ऊपर से हम एडिशन करते हैं और मोर देन में फर्स्ट वी विल राइट यस टोटल देन टोटल में से ऐसे माइनस ऊपर वाला माइनस फिर जो आएगा उसमें से ये ऊपर वाला माइनस ऐसे, याद आ रहा है ना। यस वेरी गुड, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यहां पे 10th का आंसर था ऑप्शन सी 35। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन 2, द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, अगेन यहां पे आपको मीन दिया है, व्हाट इज गिवन। तो स्टूडेंट फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन, गिवन यस व्हाट इज गिवन मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, सी 20 वर्कर्स की मीन सैलरी, मीन है मीन, हाउ मच इट इज 10,250, इट इज 10,250। इफ द सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एंड 20 का तो ये वर्कर थे, नाउ इसमें सिर्फ 20 वर्कर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, इफ द सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज एडेड, अगर हम इसमें क्या करते हैं सुपरिटेंडेंट की भी सैलरी ऐड करते हैं देन द मीन विल इंक्रीज बाय 750, तो मीन क्या होगा इंक्रीज होगा बाय हाउ मच 750, फाइंड द सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। स्टूडेंट ये तो 20 वर्कर्स का मीन है, ठीक है, हम अभी यहाँ पे एक नया पर्सन हमको ऐड करना है, ऑलरेडी हमको 20 पता है, तो लेट द ऑफिस सुपरिटेंडेंट सैलरी बी एक्स। ओके स्टूडेंट यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, सी लेट द ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेट ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स सैलरी बी एक्स रुपीज, उसकी सैलरी कितनी है एक्स रुपीज। नाउ स्टूडेंट ये मीन दिया आपको
एक्चुअल वर्कर की सैलरी पता है आपको, तो हम पहले सी मीन से हम क्या निकालते हैं, सम. यस फर्स्ट राइट सम ऑफ 20 वर्कर्स सैलरी, सम ऑफ 20 वर्कर सैलरी कैसा आएगा स्टूडेंट. यस मीन मल्टीप्लाई बाय यस नंबर ऑफ वर्कर जो के 20 हैं. मीन कितना है उनका, यस 10,250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर 20. सो कितना होगा स्टूडेंट, सी यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे जीरो, तो जीरो जीरो एड टू जीरो, तो अगेन टू से मल्टीप्लाई, टू फाइव जा 10 कैरी 1, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 0 0, 2 1 जा 2, सो इट इज 22,05,000 और 20,000, हाँ इट इज 2,05,000 सम ऑफ सैलरी, टोटल 20 वर्कर की सैलरी इतनी होगी. ओके उनकी हर एक की सैलरी ऐड करेंगे तो 2,05,000. सी स्टूडेंट नाउ यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन इफ है ना, वहां पे कंडीशन दिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन. सी स्टूडेंट इफ सी स्टार्ट करो, इफ The salary of office superintendent is added, the mean will increase by 750. पहले mean कितना था student? See, हम पहले mean का formula लिखेंगे आपके लिए. Mean is equals to, yes, sum of observations upon, yes, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सी पहले मीन कितना था स्टूडेंट, यस फर्स्ट मीन वाज 10,250, ये इंक्रीज होगा मतलब इसमें प्लस 750 होगा व्हेन, जब इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी भी ऐड करेंगे. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले 20 का ऑब्जर्वेशन कितना है स्टूडेंट, उनका सम कितना आया है, यस इट इज 2,05,000 फॉर 20. अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यस किसकी सैलरी ऐड करना है, सुपरिटेंडेंट की, और वो कितनी है एक्स, ये 20 वर्कर की सैलरी का एडिशन, हमने इसमें अभी सुपरिटेंडेंट की सैलरी नहीं मिलाई है, वो है एक्स. नाउ स्टूडेंट यू टेल मी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, ये किसका एडिशन है 20 वर्कर का, तो 20 तो होगा लेकिन यहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट अलग से आ गया है ना, दिस इज द सम ऑफ 20 वर्कर प्लस 1 सुपरिटेंडेंट, टोटल हाउ मेनी पर्सन देन, यस देन 21. दैट क्लियर. पहले हमने क्या निकाला मीन, पहले से हमने निकाला मीन से हमने, यस फ्रॉम मीन वी फाइंड एक्चुअल सम ऑफ 20 वर्कर सैलरी, 20 वर्कर की सैलरी, सम ऑफ 20 वर्कर्स सैलरी एंड दैट इज 2,05,000. सी पे 20 का है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम मीन फाइंड भी करना है, अगर इसमें सुपरिटेंडेंट की सैलरी ऐड करेंगे तो प्लस एक्स, पता नहीं ना कितना है इसलिए प्लस एक्स, तो जो मीन होगा इंक्रीज बाय 750. इफ द सुपरिटेंडेंट सैलरी इज एडेड द न्यू द मीन विल इंक्रीज बाय 750. तो मीन का फॉर्मूला इंक्रीज बाय 750 कब होगा, 20 वर्कर की सैलरी में सुपरिटेंडेंट की सैलरी ऐड करेंगे, और लेकिन ऐड करने पर जो 20 था वो नंबर होगा 21. समझ में आया, 20 वर्कर प्लस 1 सुपरिटेंडेंट टोटल 21. Now only solve this, you will find the value of x. You will get the value of x. How? First add these two. 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10. Carry 1.
7, 8, 9, 10. Again carry 1. 1. So it is 11,000. Okay, student. Is equals to. Yes, it is addition hoga. 2,05,000 plus x hoga. No, ye to unlike term addition nahi hoga. Upon 21. Now, move to this. 11,000. Yes, multiply by 21 is equals to 2,05,000 plus x. Kitna hoga? 21 se multiply karenge 30 as it is. 21 ones are 21. Carry 1. 1 carry 2. 21 ones are 21 plus 2. 22, 23. So 2,31,000. See, ye wahan pe transfer karo. Minus 2,05,000 is equals to what is remaining only? X. So humko X mil jayega. What? 2,31,000 minus 2,05,000. 30 as it is, kuch nahi hoga. Now it become 2, it become 11. 11 minus 5, 6. 2 minus 0, 2. 2 minus 2, 0. It is, yes, 26,000. Is equals to x. Or you can write, therefore x is equals to 26,000. But what is x? Yes, office superintendent salary. Therefore, office superintendent salary is rupees 26,000. Is that clear all of you student? See, again very simple question mein hai. Mean salary of 20 worker. जब भी mean of 20 देंगे हम पहले sum निकालेंगे. तो sum of 20 worker की salary का sum कितना आएगा? It is 2,05,000. Mean multiply by yes. Now according to given condition, यहाँ पे important condition उन्होंने क्या दिया है? ये हमने नहीं किया student. It is given. If in that mean, अगर जो salary है, if ये तो 20 वर्कर्स की है. इफ द ऑफिस सुप्रीटेंडेंट सैलरी इज एडेड. अब वो सैलरी कितनी आपको पता है स्टूडेंट? सिर्फ ऐड करना उतना पता है. कितना है? जब हमको पता नहीं होता तो लेट द ऑफिस सुप्रीटेंडेंट सैलरी बी एक्स. तो इस सब में ये 20 का है. अगर हम इसमें और एक ऐड करेंगे ऑफिस सुप्रीटेंडेंट का तो प्लस एक्स. तब ऐसा करेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं? इफ द ऑफिस सुप्रीटेंडेंट सैलरी इज एडेड द मीन विल इंक्रीज बाय 750. तो जो ओरिजिनल मीन था उसमें इंक्रीज होगा. इंक्रीज मीन्स एड होगा 750. यह है 20 वर्कर की. हमको एड करना है सुप्रीटेंडेंट का. तो लेकिन स्टूडेंट टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? ये है 20 प्लस ऑफिस सुप्रीटेंडेंट, टोटल हो गए पर्सन 21. बस ये है आपका एक इक्वेशन. सॉल्व करो इनका एडिशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 21 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हो गया. देन ये नंबर है, ये वेरिएबल है, इसको हमें फाइंड करना है. सो मूव दिस टू यस. तो ये प्लस बिकम माइनस. सब्ट्रैक्शन किया 26,000 एक्स. बट व्हाट इज एक्स? सुपरिटेंडेंट्स सैलरी. सो ऑफिस सुपरिटेंडेंट सैलरी इज रुपीज 26,000. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके. अगेन इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यस आपके पास है, अगेन यू रिवाइंड इट एंड अगेन वॉच इट. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर